हेलो। कौन सा सर? लास्ट टाइम पे तीन क्या है सर, क्या तीन टूल पिछली बार पढ़े थे ना अपन ने? एफ टी के? हाँ पढ़े थे ना। एफ टी के था, दूसरा क्या था? वोकलेशन क्या था? एमडी एमडी कुछ ऐसे था, एमडी फाइव, एमडी फाइव सम था। एमडी फाइव वो तो शॉ नंबर। हाँ एमडी फाइव सम, उसका उसका चेक सम बनाने के लिए ना। और तीसरा तीसरा कौन सा था बोले हिमांशु? एप्लीकेशन का कोई टूल था सर, नाम तो नहीं याद है। कैलेशन कुछ था सर करके कहते, वो डेटा के लिए था, काय के लिए था? वोटेलिटी सर कुछ, वोलाटिलिटी सर। अब आप ले लो जैसा लेना इसको। हाँ तो किस चीज के लिए था वो? अरे किसके फोरेंसिक उस काम में आता था वो? क्या चीज के ऊपर काम करता है मतलब? तो व्हाट पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ डेटा? विनय रैम की मेमोरी। हाँ मेमोरी फोरेंसिक के लिए काम, रैम की मेमोरी कॉपी करने के लिए। हाँ वही जो एक्टिव लाइव रैम जो होती है उसका डंप करके और बाद में उसमें चेक करने के लिए कि उसमें क्या क्या चीजें एक्टिव थी, करके देखा आप लोगों ने? तो एक एक आध दो टूल पर भी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया सबने? कुणाल, हिमांशु, आकाश सब वो तो सर 3 GB था सर, सब तो 3 GB का था सर। 3 GB का तो एफटी क्या होगा कदे? हाँ तो सर वो वोलाटिलिटी तो छोटा सा टूल है तो सर, उसको वो करने में 2 दिन लग गए। 2 दिन कॉलेज आके करके ले चले जाते हैं सर। एक दिन का 1.5 GB डेटा, दूसरे दिन का 1.5 GB डेटा, टोटल 2 दिन का 3 GB डेटा। अरे तो पड़ोस से छुड़ा लेते, पड़ोस में सर कोई नहीं देता। तो देने से कौन सा मांगना था तुम्हें? है वायरलेस पासवर्ड हैक करके कर लेते सर। आपने तो बहुत सिखा दिया। तुम सीखने आई कभी? हाँ नहीं तो क्या सर, मैं कितनी बार बोला। ओहो इस टाइप की चीजों के लिए तो मेरे को नहीं सब ने, तो जिन्होंने सीखना था उन्होंने तो कम से कम हैकिंग के टूल्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा और देखा भी कौन कौन से टूल चलते हैं। देखा मैंने एक टूल था काली लिनक्स में, क्या नाम भूल गई मैं, है ना। तो इसमें एफटी के सब लोगों के पास हो गया है वाईफाई हैकर? क्यों एफटी के सबके पास आ गया? सबके पास एफटी के है? नहीं है सर। डाउनलोड करो ना, कैसे करोगे फिर? तो एफटी के नहीं है सर। सर हुआ बहुत महंगा है वो सर, फ्री में आता है हमारे डाटा ओपन सोर्स सर, हमारे डाटा के हिसाब से सर। हाँ सर डाटा के बहुत सही है ना। कॉलेज जाके डाउनलोड करके जाओ, है ना, कॉलेज जाके कॉपी करके चले जाओ बस। वोलेटिलिटी सबने डाउनलोड करी क्या? हेलो प्रतीक, प्रतीक प्रगति। हेलो यस सर। वोलेटिलिटी डाउनलोड हुआ? हाँ वही बस हुआ है सर। तो उससे भी तो तुम लाइव मेमोरी पे काम कर सकते हो रैम डंप करके। कर सकते है ना, तो उस पर एक बार ट्राई करके देखना था ना, कल आप करके दिखा देंगे। ठीक है आज थोड़ा सा अपन बात करेंगे, ज्यादा लंबी क्लास तो लूंगा नहीं, थोड़ा टाइम करेंगे ऑटोप्सी के ऊपर, है ना। ऑटोप्सी टूलकिट पूछा था ना, किसने पूछा था मुझसे? मैंने। तो
ये ऑटोप्सी जो फाइल प्रतीक ने पूछा था फाइल सिस्टम के ऊपर ये है, वो तुमको दे रहा हूँ शेयर करके, देखो जरा मैं शेयर हुआ दिख रहे स्क्रीन दिख रहा ये ऑटोप्सी टूल किट है, इसको सब लोग डाउनलोड कर लेना, नेट पर फ्री मिलता है ये। ये एक टूल है जिसका नाम है स्लूथ किट, सुना होगा जिनके पास काली है। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। स्लूथ किट के नाम से आता है, जिसको हम स्लूथ किट बोलते हैं, उसका ये जीयूआई फ्रंट एंड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको जब इंस्टॉल करोगे चलाओगे तो ये नया केस बनाने के लिए सबसे पहले केस नंबर और एग्जामिनर का नाम पूछेगा, तो हर केस का एक नंबर होता है, तो कोई भी केस नंबर डाल सकते हो हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कोई भी केस नंबर होता है वो उसके आधार पे सारे डिवाइसेस और उसके एविडेंसेस रखे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें केस नंबर डाल सकते हैं, तुम तो कौन सा भी डालोगे, लेकिन एक्चुअल में तो वो जो किसी ना किसी एक मशीन से नंबर निकलते हैं सारे, वो केस नंबर से ही भी डाल के चला सकते। हाँ, तुम कुछ भी डाल के चला लो, बना रहे हो ना ये तो नया आप उसके लिए, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि सिलेक्ट सोर्स टाइप टू ऐड, इसमें कौन सा, जैसे अभी इमेज फाइल अपन ने बोला है तो आप उसमें इमेज, अगर कोई सर आपकी स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर दो, सर आपकी स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर दो, ज्यादा जूम नहीं होगी, हमको ब्लर दिख रहा है, तो फुल स्क्रीन कर दो सर। फुल स्क्रीन नहीं है, रुक जा मैं तेरे को लाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, होल्ड कर, इसको स्टॉप शेयर करके डायरेक्ट को ऑनलाइन को इधर करके देखता हूँ, होल्ड कर। अब दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है अच्छे से? ये केस नंबर जो दिया ना यहाँ पर आप केस नंबर कुछ भी डाल सकते हो सर। हाँ, थोड़ा सा अब तो क्लीन, अब तो साफ दिख रहा है। पहले का लॉगिन वगैरह कैसे करता है? ये नॉर्मली ये इंस्टॉल करना, ये अरे तो डाउनलोड करोगे ना इसको, केस को, इस ऑटोप्सी टूल किट को, ये और स्लूथ किट, मैं चैट में तुमको लिख के देता हूँ देखना। अच्छा, चैट 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 पे दिखाता हूँ, दो टूल होते हैं वो दोनों इंस्टॉल कर लेना है ना, ठीक है। ये है आपका स्लूथ किट, स्लूथ किट और आपका ऑटोप्सी आया, सबको दिखाई दिया? हेलो, यस सर। हाँ, ये दो किट आपको डाउनलोड करना है, पहले ये दोनों इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद में आप, ये आपकी पहली स्क्रीन आपकी आएगी इसकी, ये पहली स्क्रीन इंस्टॉल करने के बाद आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने केस नंबर डाला, उसके डायरेक्टरी ली कि कहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए उसका, है ना, सी डी ई किस कौन सा उसमें, इस तरीके से इसमें एग्जांपल उसने ले रखा है, जैसे ऑटो डेमो, ये केस नंबर हमने एक डाल दिया, एग्जामिनर का नाम डाल दिया कि कौन एग्जामिनर होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या होता है,
कि इमेज फाइल या तो पहले से बना रखी है अपन ने एफटीके वगैरह इमेजर वगैरह से तो ठीक है, नहीं तो इसके अंदर लोकल डिस्क का ऑप्शन भी होता है क्या कि आप आपकी जो लोकल डिस्क है उसकी इमेज बना लो ठीक है। और इसमें इनपुट में आपका जो टाइम जोन होता है वो डालना बहुत जरूरी है, जैसे इसके अंदर अपना टाइम जोन इंडिया का डाला हुआ है GMT+530 एशिया कोलकाता है ना, तो ये उसके आधार पे बहुत सारी चीजें उसमें ऑक्यूपाई करके रखेगा टाइम के हिसाब से ठीक है। यहाँ पर अपन लोकल डिस्क ले रहे हैं, लोकल डिस्क में आप ले सकते हो कि सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव किसका इमेज बनाना है ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने पर्टिकुलर डेस्कटॉप का लिया, एक इमेज ले ली है ना इस तरीके से, या तो आप इमेज बनाओ या आप लोकल फाइल लो, दोनों तरीके से चल जाता है। आप अभी लोग आप लोग करोगे तो आपने अगर इमेज नहीं बना रखे तो आप लोकल फाइल लेके चल सकते हैं ठीक है। अब इसके अंदर उसमें क्या क्या चीजें उसकी इमेज में इंक्लूड होना चाहिए आपकी, मतलब वो किस किस चीज की है, मतलब ना इमेज बना के रखेगा फाइल सिस्टम में से, ये उसके पूरा लिया है मतलब पूरे जो, या तो बाय डिफॉल्ट सब के सब रख लो, नहीं तो आप चाहो तो कुछ कम ज्यादा कर सकते हो उसके हिसाब से ठीक है। जैसे इसमें कीवर्ड सर्च अगर अपने को करनी तो क्या क्या आपको, जैसे ईमेल एड्रेस सर्च करने हैं या कुछ इस टाइप से क्या क्या सर्च करना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कीवर्ड में इन्होंने कुछ दो नाम लिए, जैसे फ्रोडो और एक और नाम देगा, हाँ ये जैसे एक दो नाम उसने दिए ढूंढने के लिए, तो वो दो चीजें उसमें ढूंढ के, ये जैसे दिए ना दो नाम उसने ढूंढे उसको पर्टिकुलरली वो ढूंढ के रखेगा साथ में ठीक है। ये इमेज बनाना चालू कर दिया इसने, ये पूरी फाइल आपकी बनने के बाद में ये इसकी ऑटोप्सी के लिए आपकी फाइल बन गई है। अब ये आप लेफ्ट साइड में देखो, इसके अंदर सारे इमेज के अंदर की जो जो चीज की उसने इमेज बनाई है उसकी डिटेल्स है अलग अलग टाइप से, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी है, जो रिसेंट डॉक्यूमेंट पर काम हुआ है उसकी जानकारी है, कोई रिमोट ड्राइव बना रखा है उसकी जानकारी है ना। हमने अगर कोई बुक मार्क किए थे, मतलब बुक मार्क करते हो ना वेबसाइट उसके ब्राउजर के अंदर, सुना आ रहा है सबको? हेलो सर, आपके पास टूल होते ऐसा करके दिखाओ ना सर, ऐसे तो वीडियो में समझ ही नहीं आ रहा एक बार आगे पीछे अरे तो प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे अगर मैं ऑन लाइव करूंगा तो पॉसिबिलिटी है कि नेट के वजह से दिक्कत ना आ जाए ठीक है। एक आध दिन अपन एक सेशन लेंगे जो तुम्हारा लैब सेशन है ना एक, हाँ उस दिन अपन कोशिश करेंगे कि अपन दोनों एंड पे तुम्हारी तरफ भी तुम लाइव चालू करना और मैं भी लाइव करके यहाँ से ये दो तीनों चार टूल एक साथ करेंगे ठीक है। ओके सर, हाँ अभी एक वीक में नहीं सर, सर ऐसा बोलना चाह रहा था आकाश, अरे अभी तुमको एक एक उसके पार्ट्स का मालूम तो होना चाहिए, जैसे वो अरे उसके लिए बैंडविड्थ का इशू आएगा ना अगर अभी मैं यहाँ से करूंगा। अच्छा, तो अभी आप ये इंट्रोडक्शन बता रहे हो? हाँ इंट्रोडक्शन है, ये मोबाइल से अपन कनेक्ट करके रखे हैं ना अपन, मैं उधर मतलब मैं भी यहाँ पर हूँ ना, होम टाउन पे हूँ ठीक है, तो वहाँ पर अपन फ्राइडे को इसका अपन पैरेलल वो ले लेंगे ठीक है। तुम लोग भी उसको करके देखना, लेकिन ये सब इंस्टॉल करके रखना पहले से ठीक है। तो एक एक टूल करके एक एक चीज बना के मैं भी दिखाऊंगा और तुम भी साथ करते जाना ठीक है। ये उसके अंदर ये सारी चीजें रहती है, मानो जैसे अपन ने बुक मार्क्स किए हैं, कोई अपन ने कौन कौन सी वेब हिस्ट्री सर्च करी है, कोई अपन सर्च भी करते हैं ना नेट के ऊपर, तो वो सारी चीजों का रिकॉर्ड वो बना के रखता है इसके अंदर, यहाँ तक कि आपकी ईमेल मैसेजेस वगैरह उन सारी चीजों की डिटेल आपको उसके अंदर सेव करके मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर ना ये सारा उस चीज के ऊपर डिटेल दे रहा था, ये क्या क्या ऑनलाइन पे हम ढूंढ रहे थे, ये ऑनलाइन सर्च उसका पूरा इंडेक्स रिकॉर्ड करके रखता है। इस तरीके से ऑटोप्सी है ना अलग अलग चीजों को अलग अलग कैटेगरी में ढूंढ ढूंढ के रख देता है। जैसे आपको लेफ्ट साइड में आपको नहीं एक्सट्रैक्टेड कंटेंट अलग दिख रहे हैं, कीवर्ड अलग दिख रहे हैं, ईमेल मैसेजेस अलग दिख रहे हैं, दिख रहे हैं लेफ्ट साइड के उसमें कॉलम में दिख रहा है ना। हेलो प्रगति दिख रहा है? हेलो आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही प्रतीक? आ रही ना। तो हमने मतलब नेट पर क्या क्या करा है उसका, जो भी बुकमार्क सेव किया गया है,
जो भी हिस्ट्री सेव की गई है, जो भी फाइलें आपके सिस्टम के अंदर है, तो उन सब पे पूरा इंडेक्सिंग करके इस तरीके से वो अलग अलग फोल्डर के अंदर लिस्ट करके दिखा देता है, ताकि आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसको ढूंढ सको, है ना। नॉर्मली इस तरीके से आप आपके एक बड़ी हार्ड डिस्क के अंदर से चीजें निकाल नहीं सकते हो, तो उसको प्रॉपरली कैटेगराइज करके आपको दे देगा, जैसे आप इमेज बनाओगे उसके। ठीक है, दिखा ना इसके अंदर, जैसे कि सारे कॉम फाइलें एक अलग उसमें दिखा रहा है, सारे कमांड फाइलें अलग है, बैच फाइलें अलग है, DLL, FDA, ये PDF है, ऑफिस फाइलें हैं, ये सारी चीजें कैटेगराइजेशन कर देता है, ताकि अपने को जो भी ढूंढना है वो हम आसानी से उसमें से ढूंढ के निकाल सके। तो एक बड़ी 1 TB या 500 GB की हार्ड डिस्क में से ये सब चीजें निकालना इतना इजी नहीं होता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो आखिरी में जब ये सब चीजें आप निकाल लेते हो और कोई कीवर्ड वगैरह अगर सर्च करते हो, तो आप चाहते हो कि एक ऑटोमेटिक रिपोर्ट बन के निकले आपने जो भी करा है उसके लिए, तो ऊपर एक ऑप्शन आता है यहाँ पर जहाँ लिखा है जनरेट रिपोर्ट। ठीक है, तो वो जब आप जनरेट रिपोर्ट करोगे तो अपने आप उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा कि आपने क्या ढूंढा था, क्या क्या चीजें आपको उसमें से मिली है, और वो पूरी ऑटोमेटिकली PDF बना के आपको दे देगा उसकी फाइल, ऑटोप्सी की रिपोर्ट क्या रही है। ठीक है, इसका एक केस स्टडी लेंगे अपन जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे फ्राइडे को। फ्राइडे है ना तुम्हारा लैब वाला पीरियड, कब है? नया टाइम टेबल सबको मिल गया ना? पता नहीं सर, अभी आजकल में लॉन्च किया होगा, मंडे से नया टाइम टेबल अभी अच्छे से पढ़ा नहीं है, मंडे से लागू हो रहा है, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से तुम्हारा शायद फ्राइडे को 4th या 5th लेक्चर है लैब का, वो देख के बताएगा। पांडे, मिस प्रगति पांडे, ओके सो गए प्रगति, हाँ सर, वेडनेसडे को, वेडनेसडे को, वेडनेसडे को लेक्चर नंबर 3, हाँ तो इस वेडनेसडे, हाँ 2/11/20, हाँ तो कोशिश करते हैं अपन कि कल के दिन में ये करके इसका वो करके इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, अगर कल तक तुम्हारे पास टूल आ गए सारे तो कल तक सब डाउनलोड कर लोगे? सर कोई एक ही बताओ, इतने सारे नहीं हो पाएंगे सर, नेट वाला इशू है ना, मतलब डेटा तो रिफ्रेश दे नहीं रहा। देखो तो ये ऑटोप्सी या फिर कोई एक टूल बता दो, तो ये दो कर लो पहले, ऑटोप्सी और स्लेउथ किट और वोलेटिलिटी। ठीक है, तीनों छोटे छोटे हैं सर, कोई एक उपाय है, क्योंकि नेट हमारी डेली क्लासेस भी लगते हैं ना, तो उसमें भी नेट चले जाता है देवा। ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, बड़े नहीं है, FTK जैसे 3 GB का था, ये मुश्किल से 150 MB के हैं। ठीक है, अगर कम के हो गए तो सर वो इसका सेटअप उतने में डाउनलोड होता है, इंस्टॉल होने में फिर वो लग जाएगा डेटा, वो तो zip फॉर्मेट में आता है ना, वो निकालता थोड़ा सर, ऑटोप्सी मैंने गर्मी में करने की कोशिश करी थी। अरे ये नेट से नहीं डाउनलोड होता इसका, डायरेक्टली वो आता ना ऑफलाइन इंस्टॉलेशन वाला, ढूंढ के डाउनलोड कर लेना, कोशिश करना ये डाउनलोड कर लो, ऑटोप्सी और आपका वोलेटिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका, हाँ तो इस पे अपन ने कोई एक केस निकाल के या डायरेक्ट लोकल डिस्क और एक्टिव रैम मेमोरी पे इसका एक केस स्टडी टाइप का लेके उस पे अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, चलेगा? ठीक है ना, इस तरीके से ये देखो, इन्होंने ये इंडेक्स जो दिख रहे हैं, ये सारे इंडेक्स जो है ये उसमें क्या क्या सर्च करा है उसके इंडेक्स है, कि अगर वेबसाइट पे उसने गूगल पे कुछ भी सर्च करा तो वो अलग अलग इंडेक्स के रूप में आ जाएगा। जैसे यहाँ ये कंप्यूटर फॉरेंसिक के नाम से वेब सर्च हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए आप ऑटोप्सी का यूज करते हो, इससे अपन पता लगा सकते हैं कि सामने वाला बंदा कौन कौन सी फाइलें सेव करके रख रहा है, वेब पे क्या सर्च कर रहा है, उसके मतलब ने क्या मतलब ने एक्टिविटी थी, और उस सब का अपन लिंक अप कर सकते हैं अपने काम के हिसाब से। ठीक है, और लास्ट में उसी के हिसाब से उसकी रिपोर्ट बन जाएगी। तो ये टूल है जिसका अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं, और वोलेटिलिटी का भी एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है,
हाँ बोल सर, एक क्वेश्चन था ये ऑटोप्सी की जो है ना